दोस्तों भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड से 1-0 से सीरीज पर बढ़त बना ली, यानी कि सीरीज को अपने नाम कर लिया है। साथ ही में दोस्तों सूर्य कुमार यादव की खतरनाक बल्लेबाजी व हार्दिक पांड्या की कप्तानी से आप खुश हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करिए ताकि क्रिकेट की सबसे पहली अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बाद में न्यूजीलैंड के दौरे पर हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाया गया और कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया गया। दोस्तों मैं आपको बता दें कि पहला मुकाबला 18 नवंबर को होना था, लेकिन जिस मुकाबले को 22 से रद्द करना पड़ गया था और वो मुकाबला नहीं हुआ था। तो वही दूसरा मुकाबला कराया गया था 20 नवंबर को, जिसमें सूर्य कुमार यादव ने नाबाद 51 गेंदों पे 111 रन ताबड़तोड़ बनाए थे और 65 रनों से उस मुकाबले को जीत लिया था। वही दोस्तों तीसरा मुकाबला आज दोपहर 12 बजे से शुरुआत हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर 160 रनों का लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत के टॉप के 4 विकेट पावर प्ले में ही गिर गए थे और भारत बस मैच हार ही रहा था। तभी आपको बता दें कि भारत ने यहाँ पर 9 ओवर में 75 रन बनाए और 4 विकेट गंवाने के बाद में, देखिए दोस्तों आपको बता दें कि DLS मेथड से यहाँ पर भारत ने इस मुकाबले को 135 रनों से जीत लिया। यानी कि DLS का मेथड ये है कि 5 ओवर के बाद का एवरेज निकाला जाता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि 5 ओवर का हिसाब से जब DLS निकाला गया तो SM में भारतीय टीम का 15 बिल्कुल बराबर निकला और इस मैच को टाई कर दिया गया। टाई होने की वजह से भारत ने दूसरा मुकाबला जीत लिया था, पहला मुकाबला रद्द हुआ था, जिसकी वजह से भारत ने 1-0 से सीरीज पर बढ़त बना ली। वैसे दोस्तों हार्दिक पांड्या की कप्तानी से आप कितना खुश हैं, अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।